हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा नगण्य है। करीब 1 लाख आबादी वाले शहर में करीब 70 दोपहिया वाहनों की ही पार्किंग है, जिसके चलते मजबूरन आम जनता को अपने कार्य निपटाने के लिए इधर उधर अपने दोपहिया वाहन पार्क करने पड़ते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन चालान पर चालान कर जनता को कानून का पाठ सिखाता है, लेकिन सवाल ये है कि जब पार्किंग की सुविधा नहीं है तो लोग अपने दोपहिया वाहन पार्क करें तो करें कहाँ। उभरते हुए शहर सोलन की दास्तान सुनो। सरकार प्रशासन कहने को तो ये तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर कहती है, लेकिन यदि सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर दोपहिया वाहनों की उचित पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है। सोलन शहर में प्रतिदिन कई हज़ारों दोपहिया वाहन आते हैं, लेकिन पार्किंग करीब 70 दोपहिया वाहनों की है और पुलिस प्रशासन चालान पर खूब चांदी लूटता है, लेकिन सुविधाओं की बात हो तो ना मात्र के समान। गौरतलब है कि अंधाधुंध हो रहे चालान से जनता त्रस्त है। कानून की पालना करना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन उसके लिए लोगों को सुविधा भी होनी चाहिए। जब पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है तो लोग मजबूरन इधर उधर अपने वाहनों को पार्क करेंगे और पुलिस प्रशासन भी इसका फ़ायदा उठाकर चालान करने में जुटी है। सरकार को इस ओर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये शहर मकर जाल बनकर रह जाएगा। नगर परिषद SDO प्रमोद कुमार आर्य ने माना कि शहर में दोपहिया वाहनों की पार्किंग ना के बराबर है। देखिए क्या कहते हैं SDO प्रमोद कुमार। हमने लगभग 50 गाड़ियों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए सोलन बस स्टैंड के पास पीली लाइंस लगाई हैं और यहाँ पुराने डीसी ऑफिस के पास धोबी घाट वाले रोड पे वहाँ पे हमने लगभग 20 गाड़ियों की पार्किंग की पीली लाइन लगवाई है। ये इतने बड़े शहर में ये इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए आगे पार्किंग की सुविधा और भी की जानी चाहिए। हमने भी इसके लिए लिखा है। इस समस्या बारे जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में केवल 2 स्थान चिन्हित है जहां पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए पीली रेखा लगाई है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे वाहन खड़े करना गलत है। वह प्रशासन के साथ इस मामले पर मंथन चल रहा है। वह लोगों की सुविधा को देखते हुए उचित स्थान पर पीली रेखा लगाकर पार्किंग की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लोगों की सहूलियत को देखते हुए पुलिस ने कुछ साल पहले जो है जहाँ जहाँ पे सड़क खुली है और पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है, तो इस तरह से 1-2 स्पॉट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे। एक धोबी घाट के पास और एक ओल्ड बस स्टैंड के पास, जिसके साथ येलो लाइन लगाई है और वहाँ पे टू व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती हैं, पर वो स्मॉल टाइम के लिए होती हैं। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पार्क करके चला जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा जिस हिसाब से व्हीकल्स यहाँ बढ़ रहे हैं और ये थोड़ी समस्या बढ़ रही है, इस पर अभी प्रशासन से भी बातचीत चल रही है और इसमें कुछ और स्पॉट्स को भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह के अगर इस तरह का कोई खाली जगह हो वहाँ पर हम येलो लाइन लगाएंगे। बाकी तो लोगों की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए माल रोड पे या जो भी कंजेस्टेड प्लेसेस हैं वहाँ पे कोई गाड़ी लगाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। मेरी लोगों से अपील भी है कि जब भी आप लोग गाड़ी पार्क करें, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, तो आप ये ज़रूर देखें कि आपकी वजह से किसी को ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं कॉज हो रही है, और ताकि ट्रैफिक स्मूथली फ्लो हो सके। और कई इमरजेंसी व्हीकल्स भी होते हैं, जैसे एम्बुलेंस है और किसी तरह की कोई फायर की गाड़ी है, इमरजेंसी है, वो स्मूथली ट्रैफिक निकल सके। नेशन न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। इन त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना, जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।